कार दोस्त, मैं हूं शौमिक और इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं इस टीएम मिक्सचर के बारे में। ये जो मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर है, इसके बारे में पूरा बताने वाला हूं तो इस वीडियो के अंदर। तो ये है कंक्रीट मिक्सचर, इसका काम इतना ही है सिर्फ प्लांट से। ये प्लांट है, पीछे की तरफ दिख रहे हैं आप लोग। ये प्लांट से लोड करके कंस्ट्रक्शन साइट में जाके उसको खाली करके फिर चले आना। तो ये है कंक्रीट मिक्सचर, मैं पूरा दिखा 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 देता हूँ आप लोगों को। ये है कंक्रीट मिक्सचर। तो सबसे पहले ये है इसकी स्टार्ट की जगह, स्टार्ट की बोतम, और ये इंजन बंद करने की। ये है अशोक लेलैंड की, ये आगे वाला इंजन है अशोक लेलैंड की, सिर्फ गाड़ी के लिए, ट्रक के लिए, मतलब गाड़ी के लिए। और ये है पीछे का इंजन, ये है पीछे का हंडी, हंडी घुमाने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। हंडी के लिए है पीछे की इंजन, मतलब इसमें दो इंजन है, एक एक गाड़ी के लिए, एक है हंडी के लिए, दो दो इंजन है। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरा, ये जितना सारा पाइप वाइप देख रहे हो, पाइप ये सब हाइड्रोलिक के है, ये हाइड्रोलिक की मदद से चलता है। ये है इसके हाइड्रोलिक टैंक, और ये है इसके हाइड्रोलिक रेडिएटर, और इस साइड में है फैन। ये फैन है एक, जब हाइड्रोलिक हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिक फैन ऑन हो जाता है। ये जो पीछे की फैन है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, फिर जब हाइड्रोलिक ठंडा हो जाता है फिर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये फैन का। ये पूरा हाइड्रोलिक की टैंक है, और ये हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है पूरा का पूरा। ये स्विंग स्टार्टर की है। ये है इसकी चाबी, लाइट जल गया, और एक बार मारोगे तो सेल्फ मतलब स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, सेल्फ में चला जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा इंजन। तो मैं पूरा दिखाऊंगा, पहले आप लोगों को मैं पूरा दिखा देता हूं। तो ये है कंक्रीट की मिक्सचर, आप लोग देख सकते हैं। ये पीछे की तरफ ऐसे है, ये कंक्रीट अनलोडिंग के लिए, इधर से गिर जाता है इधर, और इधर कुछ ऐसा टाइप की है पीछे में। जो ऊपर वाला बात देख रहे हैं उधर, उससे कंक्रीट लोड होता है, अंदर चला जाता है एकदम। और इसका ये है कंट्रोलर हंडी के लिए, ये है हंडी के लिए। इधर आप लोगों को तीन लीवर दिखने को मिलेगा। ये है लूज करने के लिए और टाइट करने के लिए, ये कुछ नहीं है। ये है इंजन की एक्सीलेटर, वो जो सामने वाला जो इंजन, हंडी का जो इंजन है वो उसका एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर। और ये है हंडी के लिए, ये वाला जो है बड़ा वाला, फास्ट वाला, इधर का साइड का। ये है हंडी के लिए, इधर लिखा है लोडिंग और डिस्चार्ज, इधर लिखा है डिस्चार्ज। ये है डिस्चार्ज, ये है डिस्चार्ज, मतलब ये वाला लीवर अगर इधर कर दोगे डिस्चार्ज में, तो अंदर का जो कंक्रीट है, इसका हंडी के अंदर जो कंक्रीट रहता है वो गिर जाएगा। ये न्यूट्रल, बीच में ये न्यूट्रल, एक आवाज़ हुआ, ये है न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। और इधर है आपका लोडिंग, ये है लोडिंग, ये है लोडिंग, और ये है डिस्चार्ज की। तो लोडिंग में अगर दोगे तो गाड़ी जब लोड रहेगा तो बीच में देना पड़ता है, इसमें अगर दोगे तो असली हंडी धीरे धीरे घूमेगा, और ज़्यादा मतलब इधर करोगे तो ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, फिर एक्सीलेटर मारोगे तो और स्पीड में घूमेगा। तो ये है न्यूट्रल, ये है इंजन के एक्सीलेटर, पीछे की इंजन के एक्सीलेटर, और ये है मिक्सचर। तो मैं ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं चल रहा हूँ ऊपर में, मैं ऊपर चढ़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसा, इसका अंदर में कैसा है, कैसे चलता है, कैसे लोडिंग अनलोडिंग होता है। तो मैं आ गया ऊपर, ऊपर में आपको एक वाल्व दिखेगा, ये है वॉश करने के लिए, एक पाइप रहेगा इधर अनलोडिंग के बाद, ये वॉश करने के लिए ये पाइप है, और ये प्रेशर प्रेशर की है, मतलब स्प्रिट से पानी निकलता है, और इस ये जो है इससे लग जाता है प्लांट में, ये लग जाता है प्लांट में, और इधर से कंक्रीट घुस जाता है एकदम अंदर। और ये है गाड़ी धोने के लिए पाइप, और इसका अंदर है
ऐसा सिस्टम, मतलब नाटबोल में ये पूरा अंदर तक ऐसा ही है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ये पूरा अंदर का दिखाई देता हूँ मैं, इसके नीचे पूरा पैच पैच सिस्टम की सिस्टम है भी इसका। और ये है बाहर का, तो लोडिंग में जब घूमता है वो ये सीधे सीधे सीधी में घूमता है, और जब डिस्चार्ज में आप लोग दोगे तो उल्टा घूम जाता है, फिर कंक्रीट गिरना शुरू हो जाता है। तो ये रही कंक्रीट की मिक्सचर, ये 10 टायर की गाड़ी, ये डीजल टैंक गाड़ी की, और ये है पानी सप्लाई के लिए, और ये है पानी की टैंक। इसका एक पाइप देख आप लोग देख सकते हैं, पाइप है इसका, इसमें ये वाला पाइप है गेज, मतलब आपका टैंकी में कितना पानी है, वाटर है, आप लोग इसमें देख सकते हैं पाइप में। और ये पूरा 450 लीटर की टैंक है, ये वाला पूरा टैंक है। और ये आता है, ये सप्लाई देता है उधर, मतलब हांडी वॉश करने के लिए, हांडी में पानी देने के लिए। और ये है इंजन पीछे की हांडी को घुमाने के लिए। तो ये रही गाड़ी, और पीछे ये दिखाई, पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, ये है प्लांट, इसमें लोड होता है, इसमें लोड होता है कंक्रीट। ये लाल वाला जो आप देख सकते हैं, ये लग जाता है आपका ऊपर में, मैंने जो दिखाया। तो ये है कंक्रीट मिक्सचर, ये है ये सेट से ऐसा। तो मैं आप लोगों को चालू करके थोड़ा दिखा देता हूँ। मैंने इसको खोल दिया, चाबी ऑन किया, लाइट जल गया, दोनों लाइट ऑन हुआ, अभी स्टार्ट, इंजन स्टार्ट हो गया। अभी मैं पीछे थोड़ा चालू करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि लोडिंग कैसे होता है, अनलोडिंग कैसे होता है। तो ये है लोडिंग, इसको अगर इधर करोगे तो हांडी सीधा सीधा घूमेगा, मतलब अंदर का सामान, अंदर का जो कंक्रीट है वो नीचे नहीं नहीं गिरेगा। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल, ये डिस्चार्ज में अगर दोगे तो अंदर का जो कंक्रीट है वो बाहर आ जाएगा। अभी इसका अंदर कंक्रीट नहीं है, कंक्रीट का सूखा हुआ माल है, अभी तो इसका गिरेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं अभी रेस कर रहा हूँ, इंजन की रेस के लिए। ये हो गया हांडी न्यूट्रल, ये है रेस के लिए। तो ये है इंजन रेस के लिए, ये लोडिंग न्यूट्रल, हांडी हांडी रुक गया आप लोग देख सकते हैं, और ये है अनलोडिंग का, हो गया न्यूट्रल, इसको टाइट कर देना है, और फिर आपको गाड़ी वॉश करना है। ये है ऊपर की पानी की नल, नल ऊपर वाला मैं जो दिखाया, ये अगर ऑन कर दोगे तो ऊपर से जो ये है वो पानी निकलेगा। ये है ये पाइप के लिए, गाड़ी वाड़ी धोने के लिए है। और उसके बाद आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों को इधर आके ये है स्टॉप, इसको खींचना है, बस इंजन बंद हो गया, फिर इसको उठा के बंद कर देना है।